अगर आपको पता चले। जब कोई सियासी दुर्ग ध्वस्त होता है तो सुर्खियों का फॉन्ट साइज बड़ा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 में, जब त्रिपुरा में माणिक सरकार के नेतृत्व में लगभग दो दशक से चल रहे लेफ्ट फ्रंट के शासन को खत्म करने में बीजेपी कामयाब हुई थी। लेकिन इधर कुछ महीनों से त्रिपुरा से जो खबरें आ रही, बल्कि एक साल से, वो बीजेपी के माथे पर शिकन डाल रही हैं। जबकि कुछ ही महीनों में राज्य में चुनाव है, इसलिए हमें लगा कि नेता नगरी में त्रिपुरा की स्थिति के बारे में बात की जाए, बीजेपी के दल में जो भगदड़ है उसके बारे में बात की जाए, क्षेत्रीय अस्मिताओं को लेकर जो गुट बने हैं उनके बारे में बात की जाए, और दूसरे राष्ट्रीय या राज्य के विकल्पों के बारे में भी बात की जाए। इस बातचीत में मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे समय तक बीबीसी से भी जुड़े रहे हैं और अभी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, कलकत्ता बेस्ड हैं लेकिन हाल ही में त्रिपुरा का एक और दौरा करके लौटे हैं, ऐसे सुबीर भौमिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद। और दूसरी मेहमान हैं हमारी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई और अगरतला से काम कर रही रेशमी देवनाथ। रेशमी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुबीर जी, आपकी तरफ आते हैं। 2018 माणिक सरकार का शासनकाल खत्म होता है, बीजेपी और जो इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, IPFT, उनकी सरकार बनती है, लेकिन दोनों ही जगह स्थिति ठीक नहीं है। एक एक करके विधायक जा रहे हैं, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए थे वो भी जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसके चार वजह हम समझते हैं जी। एक नंबर ऐसा है कि बीजेपी का कभी जो संगठन के तौर पर जो पकड़ बताया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल होल्ड या ग्रिप, वो कभी त्रिपुरा में था नहीं जी, और ना ही आरएसएस का यहां उतना अच्छा खासा कोई संगठन का दबदबा रहा है, कभी नहीं रहा है जी। यहां ऐसा हुआ, आप देखेंगे कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में टकराव हुआ करता था, और ज्यादातर जो बीजेपी में लोग आए जी, और जिन्होंने बीजेपी का संभावना को आगे बढ़ाया और 2018 के चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करवाया, ये सब लोग कांग्रेस से निकल कर आए थे। क्यों आए थे कांग्रेस से निकल कर? उनको ये लगने लगा था कि हमारे यहाँ त्रिपुरा में और बंगाल में भी पहले ऐसे ही था कि जो कश्मकश है, जो लड़ाई है, वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच है, बट दिल्ली में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का अच्छा खासा रिश्ता है, सीताराम येचुरी और राहुल गांधी लंच डिनर करते रहते हैं, तो त्रिपुरा के जो हार्डकोर कांग्रेसमैन थे उनको ये लगने लगा कि अगर कम्युनिस्ट लोग के साथ टक्कर लेना है तो हमें कांग्रेस में रह के ये हम कर नहीं पाएंगे, हमको दूसरा कोई पार्टी में जाना पड़ेगा। दूसरा कौन से पार्टी में जाएंगे, यहाँ त्रिपुरा में कोई उतना अच्छा खासा रीजनल पार्टी जो है वो ट्राइबल पार्टी से, तो बंगाली पॉलिटिशियन वहां तो जाएंगे नहीं। तो इनको लगा कि साहब बीजेपी एकमात्र ऑप्शन है जहां जाकर हम लोग कम्युनिस्ट को गिरा सकते हैं। तो ये एक एंटी कम्युनिस्ट एंटी लेफ्ट फीलिंग से ये जो एक आगे बढ़ा था कि बहुत साल हो गए हैं कम्युनिस्ट पावर में रहे हैं, इनको बदलाव करना जरूरी है, लोग इनसे खफा हैं, नाराज हैं या परेशान हैं या फिर बोर हो चुके हैं, आप जैसे भी देखिए, तो वो जो एक हवा आया उसका फायदा बीजेपी को मिला। बट बीजेपी का अच्छा खासा कोई संगठनिक जो पकड़ है यहाँ कभी नहीं था, कांग्रेस से लोग भाग कर आए, कांग्रेस का वोट यहाँ ट्रांसफर हुआ बीजेपी की तरफ और बीजेपी सत्ता में आए। ये जो विप्लव देव साहब हैं तो ये आरएसएस के हैं, बट बाकी सारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स कांग्रेस के मिनिस्ट्री में थे वो सब कांग्रेस से आए हुए थे। अब इसके बाद जो जैसे रश्मि बता रही थी कि इनके अंदर में भी काफी झमेला इसलिए हुआ है कि एक तो कुछ आरएसएस के लोग जो थे ट्रेडिशनल, उनका उतना कोई दबदबा लोकल पॉलिटिक्स में था नहीं, बट वो आरएसएस के लोग हैं, विप्लव देव जैसे लोग, तो उनको ये लगा कि साहब यहां मेन जो पावर है, जो सीट्स वगैरह है, जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये हमें आना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को लगा जो कांग्रेस से आए हुए थे जैसे रतन नाथ, रतन चक्रवर्ती, सुदीप राय बर्मन, कि साहब हम लोगों के आने के वजह से ये लोग पावर में आए हैं, तो हमको अपना जो है, हमको अपना जो डिजर्विंग जगह है उसको मिलना चाहिए। तो पहले से एक शुरुआत से ही गड़बड़ शुरू हो गया। ये सुदीप राय बर्मन जिसका तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, इनको ये तो मेरे स्कूल के हैं, देहरादून राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल के हैं, हम भी वहां के हैं, तो इनको ये लगने लगा कि साहब
हमें चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, बिप्लव देव को क्यों बना रहे, बिप्लव देव को त्रिपुरा में उतना कोई जानता वानता नहीं है। हाँ, 3-4 साल पहले भी चुनाव से बिप्लव देव का कोई पहचान उतना कुछ खास नहीं था। हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स करते रहे, वापस आए थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, तब से उनका थोड़ा दबदबा हुआ है। तो सुदीप राय बर्मन जो है मुख्यमंत्री के लिए लड़ने लगे, दूसरे भी कुछ कांग्रेस के लीडर्स आए हुए थे जिनको लगा कि साहब टॉप पोस्ट हमें आना चाहिए। तो एक तो ये गड़बड़ शुरू हो गया जो यहाँ बीजेपी और आरएसएस के अपने लोग हैं जैसे विप्लव देव और जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। अब यहाँ त्रिपुरा में एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्राइबल फैक्टर, कि ना बीजेपी ना कांग्रेस इन किसी का भी ट्राइबल एरिया में कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये ट्राइबल जो क्षेत्रीय दल है आईपीएफटी के साथ मिलकर यहाँ सरकार इन्होंने बनाया था। हाँ, हालांकि बीजेपी को मेजोरिटी सीट अपने बलबूते पर मेजोरिटी मिला था, बट इन्होंने एक ट्राइबल पार्टी को साथ लिया और साथ लेकर आईपीएफटी को बनाया। आज के तारीख में त्रिपुरा का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एडीसी के चुनाव में बीजेपी और उनके साथ साठगांठ करके जो चुनाव लड़ते हैं आईपीएफटी, उनका सफाया हो गया है और वहां पर एक नया फैक्टर खड़ा हो गया है। वो नया फैक्टर क्या है? त्रिपुरा मोथा। त्रिपुरा मोथा का नेतृत्व कौन दे रहे हैं? महाराज प्रद्युत किशोर। महाराज प्रद्युत किशोर जो त्रिपुरा के राज खानदान के हैं, त्रिपुरा के स्वर्गीय महाराज किरीट विक्रम के एकमात्र पुत्र हैं। इन्होंने अपना जो ट्राइबल पार्टी बनाया, इन्होंने जो एडीसी का इलेक्शन है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वहां जो चुनाव हुए, वहां चुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया, भारी बहुमत से जीत हासिल किया। और आज के तारीख में ऐसा लगने लगा है कि त्रिपुरा के जो दूसरे उपजातीय जनजातीय क्षेत्रीय दल हैं, उनका सफाया हो चुका है और आने वाले दिन में जब चुनाव ये फरवरी के एंड में जब होगा, तो जो त्रिपुरा के असेंबली में 60 सीट है 60 सीट, इनमें से 20 सीट ट्राइबल रिजर्व है, ये 20 ट्राइबल रिजर्व सीट में ज्यादा से ज्यादा सीट त्रिपुरा मोथा को हासिल होगा, महाराज प्रद्युत किशोर देव वर्मन के लोगों को हासिल होगा। अगर वैसा होता है और अगर यहां बीजेपी अपना जो पहले का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है, बंगाली एरिया में भी उनको पीछे हटना पड़ता है जिस तरह से उनके लोग कांग्रेस में गए हैं, दूसरे पार्टीज में गए हैं, तो अगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी, इनको अगर 15-20 इस तरह का सीट मिलता है और किसी तरह 20 जो ट्राइबल सीट्स हैं इसमें से त्रिपुरा मोथा को 17-18 सीट मिल जाता है, तो फिर तो एक त्रिपुरा का पॉलिटिक्स में एक नया हिसाब किताब शुरू हो जाएगा कि एक ट्राइबल पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है और शायद कोई भी कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगा उसका सीनियर पार्टनर के दावेदार वो लोग होंगे और महाराज प्रद्युत किशोर सीएम के दावेदार बन जाएंगे। तो आने वाले दिनों में त्रिपुरा में जो इतने दिन राजनीति होता रहा है कि कांग्रेस आया था, फिर सीपीएम आया पावर में, बहुत दिन वो लोग रहे, बीजेपी एक टर्म रहे हैं, बट आज के तारीख में ये ट्राइबल फैक्टर बहुत बड़ा एक तरीके से आगे आया है, जहां की शायद पहली बार जो जूनियर पार्टनर के रोल में ट्राइबल पार्टीज रहे हैं, वो ट्राइबल पार्टी में से ऐसा पार्टी महाराज प्रद्युत किशोर देववर्मन का त्रिपुरा मोथा, शायद दूसरे पार्टीज में बंगाली वोट का बंटवारा हो जाने से ये लोग आगे निकल जाएं, तो एक बड़ा नया समीकरण त्रिपुरा के राजनीति में बन सकता है, जिसके तरफ मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। सुमित्रा, हम लोग ये समझना चाहते हैं प्रद्युत देववर्मन जो राज परिवार से आते हैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बीजेपी सरकार में भी डिप्टी सीएम है जिशु देववर्मन, तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन की, अपनी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। ये प्रद्युत देववर्मन इतना बड़ा फैक्टर कैसे बन गए? क्योंकि कभी वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे, बीच में सबैटिकल जैसा हो गया, उनका मन सा उचट गया, फिर वो कुछ भावनात्मक और ज़मीनी मुद्दों के दम पर वापसी करते नजर आ रहे हैं, तो क्या है प्रद्युत देववर्मन का पूरा पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट? देखिए, प्रद्युत देववर्मन तो कांग्रेस पॉलिटिशियन है, उनके माँ और पिताजी दोनों कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं, महाराज किरीट विक्रम, स्वर्गीय महाराज किरीट विक्रम, और हम त्रिपुरा के पुराने लोग हैं, इसलिए राज खानदान के लिए कुछ इज्जत हमारे दिल में हर वक्त है, हम पुराने बंगाली लोग हैं त्रिपुरा के, तो इसलिए हम स्वर्गीय महाराज कहते हैं। स्वर्गीय महाराज किरीट विक्रम और महारानी विभू देवी, जो आजकल जिन्हें राजमाता कहा जाता है, तो ये सब जो है सांसद भी रहे हैं
और त्रिपुरा के और महारानी विभू देवी त्रिपुरा में मंत्री भी रहे हैं जब त्रिपुरा में कांग्रेस का सरकार बना था 1988 में। प्रद्युत कांग्रेस के ही पॉलिटिशियन है, अपने पिता माता की तरह वो भी कांग्रेस में आए, बट कांग्रेस से नाखुश होकर वो निकल गए। उनको ये लगा कि कांग्रेस त्रिपुरा में ट्राइबल इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है, यही उनका इल्जाम रहा है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस का जो हाई कमांड वाला कल्चर, उससे वो नाखुश नजर आए। ये चीज तो असम में भी हमने देखा, हिमंत विश्व शर्मा जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं भाजपा के, वो भी कांग्रेस के थे, तरुण गोगोई के राइट हैंड मैन थे, अब राइट हैंड मैन से वो लेफ्ट हैंड बने और लेफ्ट हैंड से फिर दोनों हाथ से निकल कर चले गए और बीजेपी में चले गए, अभी वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन लोगों का एक कंप्लेन रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का बहुत दूर का इलाका है, दिल्ली यहां से हिनोज दिल्ली दूरे हस्त वाला हिसाब है, और ये कांग्रेस का हाई कमांड वाला कल्चर हमारे यहाँ चलने वाला नहीं, ये अगर चलता है तो हमारे जो मुद्दे हैं वो आगे कभी आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रद्युत जी ने जाकर अपना पार्टी बना लिया और ट्राइबल पार्टी, और वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वगैरह का मांग किया है। एक ट्राइबल मोबिलाइजेशन जो उन्होंने किया है वो जबरदस्त तरीके से किया है ये त्रिपुरा लैंड के मांग के ऊपर। बट हाल ही में हमने उनके साथ बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहता। तो हमने कहा महाराज आप त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कर दिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या चीज क्या है, तो इस बारे में वो अभी स्पष्टीकरण नहीं देते। हम समझते हैं कि प्रद्युत जी का पॉलिटिक्स यही है कि ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मांग को करकर एक टोटल ट्राइबल मोबिलाइजेशन के तरफ वो गए हैं, जिसके चलते उनका टारगेट ये है कि एडीसी तो हमने कब्जे में ले लिया जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और उसके चलते ट्राइबल एरिया में हम एक नंबर फैक्टर बन गए हैं, जिसको कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो त्रिपुरा में सत्ता आना चाहता है महाराज प्रद्युत किशोर का भी ओवरलुक नहीं कर सकता। अब वो किंग मेकर तो जरूर, अभी वो शायद किंग मेकर से किंग बनेंगे, और किंग तो वो है ही है मतलब किसी हालत में बाय बर्थ। तो ये किंग मेकर से किंग बनने का जो चक्कर है, इसमें खेल ये है उनका कि अल्टीमेट टोटल ट्राइबल मोबिलाइजेशन जो वो कैसे करेंगे त्रिपुरा लैंड के मांग को सामने रखकर। तो उनका यही टारगेट है कि 20 सीट जो ट्राइबल रिजर्व है उनमें से ज्यादा 17-18 सीट कम से कम, ये टारगेट लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनका गेम प्लान ये है कि बीजेपी बैकफुट में है, बीजेपी से लोग बहुत सारे जो कांग्रेस से आए थे सुदीप रायमन जैसे बर्मन जैसे लोग वापस गए हैं, चुनाव भी जीते हैं बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद। तो इसके चलते अगर कांग्रेस सीपीएम और बीजेपी के अंदर बंगाली वोट का बंटवारा होता है और ये लोग सभी कोई 10 सीट कोई 15 सीट इस तरह के हिसाब में आ जाते हैं, तो या तो फिर इन लोग ये लोग जो भी आएंगे किसी को बहुमत अपने तरफ से नहीं मिलेगा, तो या तो फिर वो त्रिपुरा मोथा जो महाराज के पार्टी है उस पर डिपेंड करेंगे सरकार बनाने के लिए, या फिर शायद ऐसे भी हो कि अगर किसी को 10-15 से ज्यादा सीट नहीं मिला बीजेपी और कांग्रेस और ये सीपीएम में, वोट बंटवारा हो के किसी को 10 मिला किसी को 12 मिला, और महाराज के पार्टी को अगर 18 ट्राइबल सीट हासिल हो गया है तो वो सीनियर पार्टनर के दावेदार बनेंगे और सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएंगे। सीनियर पार्टनर होने से फिर महाराज के लिए भी चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता हो जाता है, तब शायद उनको दूसरा कुछ पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड उन्होंने आगे बढ़ाया, अब हमको कहते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो शायद त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं बट मोबिलाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल सीट उनको हासिल हो, इसके लिए त्रिपुरा लैंड के मांग को लेकर ये भावनात्मक राजनीति वो कर रहे हैं जी। बट त्रिपुरा को शायद वो तोड़ना नहीं चाहते, त्रिपुरा का सीएम बनना चाहते हैं, बट उनका रास्ता इस तरह का एक रास्ता उन्होंने चुना है क्योंकि यही शायद उनके लिए एक ऑप्शन है। सुबीर साहब, इस प्रश्न पर लौटेंगे। मैं रेशमी देवनाथ आपके पास आ रहा हूँ, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई पत्रकार जो अगरतला से ऑपरेट करती हैं। रेशमी, मुझे ये बताइए कि पिछले 6 महीने में, जिसको हम लोग चुनावी साल कहते हैं, इलेक्शन ईयर, जो करंट सीएम है माणिक साहा, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए, ये सवाल नंबर एक है। सवाल नंबर दो, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, रैली में उन्होंने क्या कहा और फिर अपोजिशन पार्टीज ने क्या इल्ज़ाम लगाए रैली के बाद, ये बताइए। तीसरा, क्या बिप्लव देव अभी भी अगरतला की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं? पिछली बार जो सुनील देवधर का बड़ा जिक्र हो रहा था, आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन मैन, उनका कोई जिक्र होता है क्या? ये थोड़ा जो बयानों के आधार पर हमको बताइए इन सारे नेताओं की एक्टिविटी और माणिक सरकार। अभी सुबीर दास से पूछेंगे विस्तार से,
पर माणिक सरकार कितने एक्टिव है पॉलिटिकल फ्रंट पर? देखिए माणिक सरकार, माणिक साहा जो है, जिनके पास अभी विप्लव देव से उनके पास जो क्षमता है वो दिया गया है, उनके पास उनके पावर दी गई है सीएम की, इसके बाद से देखा जा रहा है कि माणिक साहा जो है वो त्रिपुरा में जो विप्लव देव ने जो जो काम करने की बात की थी, या फिर भाजपा ने त्रिपुरा में जो जो काम करने की बात की थी, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि माणिक साहा जो त्रिपुरा की प्रेजेंट सीएम है, वो त्रिपुरा के एक जानी मानी डॉक्टर भी है। उनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या फिर उनका पर्सनल जो बायोग्राफी है वो मतलब लोगों को आकृष्ट करता है, बोला जा सकता है उनका एक साफ सुथरा फेस है पॉलिटिक्स पे। तो उनके फेस के ऊपर डिपेंड करके भाजपा त्रिपुरा में उनका जो चुनावी दौर है वो निकलना चाह रहा है, ऐसा ही सुनने में आ रहा है। और आप जो बोल रहे हैं, ये तो एक तो ये माणिक साहा की बात हो गई, अब मुझे प्रधानमंत्री की रैली के बारे में बताइए। देखिए प्रधानमंत्री की रैली जो इस साल फरवरी के 4 में एक बार हुई थी और इस महीने में एक बार प्रधानमंत्री की रैली हुई है, तो इसमें देखा जा सकता है कि भाजपा की जो भाजपा जब त्रिपुरा में 2018 में जब वो लोग मतलब आए थे चुनावी दौर जीत के त्रिपुरा में आए थे, तो वो लोग 299 या बोल सकते हैं कि 299 में वो एक था एक विजन डॉक्यूमेंट बोल के, उसके ऊपर वो लोग बात कर रहे थे कि 299 जो त्रिपुरा के लोगों के जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो काम है वो 299 प्रॉब्लम्स वो लोग दूर करेंगे या फिर नया फिर जो प्रकल्प है वो इधर त्रिपुरा में लागू करेंगे। तो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने इस बार जो सभा हुई थी उसमें जोर डाला है, उन्होंने बोला है कि सब कुछ जो 299 जो वो वादा किए थे त्रिपुरावासी से वो वादा पूरी हो गई है। लेकिन इस बात पे जो विरोधी है मतलब त्रिपुरा के जो लेफ्ट फ्रंट है, सीपीआईएम है, कांग्रेस है, वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि 299 में जो वादा भाजपा ने की थी वो वादा भाजपा अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। और उनको लेके जो मोदी त्रिपुरा में आए हैं, त्रिपुरा में जनसभा में वो लोग वो हिस्सा लिए थे, त्रिपुरावासी के ऊपर वो लोग उन्होंने जो त्रिपुरावासी को संबोधन किया था वहां पे वो बार बार बोल रहे थे कि वो भाजपा 2018 में जब त्रिपुरा में आए थे चुनावी दौर जीतने के बाद, उसके बाद जो जो वादा भाजपा ने किया था वो सब वादा भाजपा ने कॉम्प्लीट किया है। लेकिन ये मेरा तीसरा सवाल ये है कि माणिक सरकार वो अभी कितने एक्टिव है वहां की पॉलिटिक्स में? देखिए जब त्रिपुरा में 2018 में जब चुनाव खत्म हुआ था तब बोला जा सकता है कि सीपीआईएम का जो उनका जो पार्टी है उनका पार्टी बहुत ही ज्यादा बोला जा सकता है कि पीछे चली गई थी। लगभग 2-3 साल सीपीआईएम का जो दल है पार्टी है वो पार्टी इधर मतलब वैसे वो लोग उनका जो फेस है वो सामने नहीं आ रहे थे, वो सीपीआईएम बोला जा सकता है कि बहुत। लेकिन माणिक सरकार तो प्रतिपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हाँ माणिक साहब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, लेकिन जो पूरा पार्टी है सीपीआईएम वो बहुत पीछे चला गया था। उनका बोलना है कि जो भाजपा है वो उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो लोग लो काम नहीं कर पा रहा है, रास्ते पे निकल नहीं पा रहे, वैसे उन लोगों का मतलब दावी था कि उन लोगों को काम करने नहीं दे रहे जो रूलिंग पार्टी है ये। पॉलिटिकल ऑपरेशन का इल्जाम लगा रहे थे वो। अब जब चुनाव सामने आ रहे हैं, सीपीआईएम जो पार्टी है इधर के प्रधान बोला जा सकता है, प्रधान विरोधी दल में से है सीपीआईएम पार्टी, वो धीरे धीरे उनका जो क्या बोल सकते हैं, उनको जो पार्टी का जो मोहरा है वो लोग बाहर ला रहे हैं पार्टी जी, धीरे धीरे। सुबीर जी वापस आपके पास आता हूँ, दो पॉइंटेड सवाल है। पहला ये माणिक सरकार क्या उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, इज ही स्टिल अ फैक्टर? जो पूरे तमगे दिए जाते थे, देश का सबसे गरीब मुख्यमंत्री जिसके पास अपनी कार और मकान भी नहीं है, या फिर ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर अब ये जो रोज वैली घोटाला है उसको लेकर भी जांच की आहट आ रही है, क्या वो अभी भी सीपीआईएम के सबसे प्रभावशाली नेता है? और क्या सीपीआईएम वापसी की कुव्वत रखती है या जैसे बंगाल में वो इरेलेवेंट हो गए वही त्रिपुरा में भी हाल होने वाला है?
देखिए त्रिपुरा में मानिक सरकार कभी भी उस तरह के ग्रास रूट लीडर नहीं थे, जैसे कि पुराने कम्युनिस्ट लीडर बहुत साल चीफ मिनिस्टर रहे, नृपेन चक्रवर्ती, वीरेन दत्ता या ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दशरथ देव। ये लोग किसी जमाने में 50-60 के दशक में आम स्ट्रगल में थे, उसके बाद में कम्युनिस्ट ग्रास रूट लेवल के लिए। मानिक सरकार शहरी नेता है और सीताराम येचुरी, प्रकाश कराज जैसे ही SFI DYF करके यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कॉफी हाउस से लीडर बनकर आए हैं, इनका उस तरह का ग्रास रूट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि त्रिपुरा के पहाड़ में जितना हम घूम चुके हैं, मानिस सरकार उसका आधा कभी दौरा नहीं किया होगा। उनको गंडा छड़ा वगैरह जैसे प्रत्यंत इलाका है उसका जानकारी नहीं है, और अगर वो ऑफिशियल टूर वूर में सिक्योरिटी के साथ वहां अकेला जा सकते हैं तो मैं कान काट के रख दूंगा यहाँ पर। पर हम वो सब जगह घूम चुके हैं जहाँ की एक्सट्रीमिस्ट लोग का भी दबदबा रहा है किसी जमाने में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानिक सरकार की ये है कि ट्राइबल एरिया में उनका कोई पहचान नहीं है, उनको एक बंगाली लीडर के तौर पर देखा जाता है, शहरी बंगाली लीडर, जबकि रूरल मास में भी उसका कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं है। टिपिकल DYF SFI यूनिवर्सिटी कॉफी हाउस प्रोडक्ट, समझ गए। और सेकेंडली कोई मास लीडर नहीं। दूसरा बात सुविधा, सुविधा फिर हमारे दर्शकों को, सुविधा हमारे दर्शकों को ये उत्सुकता हो सकती है, फिर क्या वजह रही जो लेफ्ट फ्रंट लगभग 2.5 दशक तक लगातार वहां पावर में रहा? नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पावर पे था। कम्युनिस्ट पार्टी को जो लोग पावर में लाए थे, जिनका नाम हमने आपको बताया, विपिन चक्रवर्ती, वीरेंद्र दत्ता, दशरथ देव, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी को एक ऐसे बुनियाद पर बैठा के गए थे कि दशरथ देव का तबीयत खराब होने के बाद जब वो हट गए तो मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर बने। मानिक सरकार नृपेन चक्रवर्ती के पर्सनल सहयोगी थे, वहां से उन बैठाया गया। बट मानिक सरकार बेसिकली एक पार्टी ऑफिस प्रोडक्ट है, मानिक सरकार मास लीडर नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ठीक है, वो कहीं कोई जो ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है ना, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन या उपजाति जनजाति आंदोलन, ये सब करके आगे नहीं है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया है। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा बात यह है कि इसीलिए जब कम्युनिस्ट पार्टी बहुत साल पावर में रहने के बाद, हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा क्रेडिट हम देंगे कि त्रिपुरा में जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था उसको खत्म करने के पीछे जो इनिशिएटिव था, पुलिस का इनिशिएटिव, ये पूरा ऑर्गेनाइज करने के पीछे मानिक सरकार का बहुत बड़ा रोल था। कम से कम उन्होंने गो अहेड दिया, वो अच्छे खासे अफसरों को चुनकर लाए, GM श्रीवास्तव जैसे लोगों को DGP बनाया। ये जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था जो अभी भी किसी किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हावी है, इसको खत्म कर दिया। बट किसी तरह एक चीज उनका कभी नहीं हुआ है, ट्राइबल एरिया में वो कभी पॉपुलर हुए नहीं। उनको एक बंगाली लीडर के तौर पर देखा गया, शहरी बंगाली लीडर के तौर पर, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। CPM में ये कहा जाने लगा था कि जीतन चौधरी को सामने लाना चाहिए, बट जीतन चौधरी को इन्होंने सांसद बना के दिल्ली भेज दिया था। अब जीतन चौधरी वापस आए हैं, तो एक जीतन चौधरी मास लीडर है, ट्राइबल लीडर है ट्राइबल एरिया में, बट ट्राइबल एरिया में जैसे रेशमी कह रही थी, सही कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में खास तौर से जहां से CPM या कम्युनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत हुआ था त्रिपुरा में, वहां आज के तारीख में CPM का सफाया हो चुका है। अच्छा। बंगाली एरिया में खास तौर से थोड़ा बहुत ये कर्मचारी पॉलिटिक्स के जरिए अभी भी टिके हुए हैं CPM, बट CPM का रूट्स जो है बहुत वीक हो चुका है। इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, सर इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की क्या संभावनाएं हैं, कितना उनको? इनका हालत बहुत बिगड़, इनका हालत भैया इसलिए बिगड़ चुका है कि ट्राइबल मास को ये लगने लगा है कि ये लोग BJP के साथ जाकर ट्राइबल पॉलिटिक्स को कंप्रोमाइज कर चुके हैं। तो यहीं पे महाराज का ये एडवांटेज है कि महाराज ना आज के तारीख में BJP के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना CPM के साथ है। महाराज का ये अपील कि हम ट्राइबल अधिकार को पहले प्रतिष्ठा करेंगे, जनजातियों के अधिकार को प्रतिष्ठा करेंगे, और इसी मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने किसी के साथ साठगांठ नहीं किया जो दूसरे IPFT INPT इन लोग करते रहे हैं। तो यही कहा जा सकता है कि ट्राइबल एरिया में उनका ही है, और वो एक नया समीकरण या नया अरेंजमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक ट्राइबल पार्टी भी सीनियर पार्टनर बन के त्रिपुरा के पॉलिटिक्स में उभर सकता है, अगर वो टोटली मोबिलाइज करके टोटल ट्राइबल सपोर्ट अपने तरफ ला सके, यानी 18-19 सीट ला सके। सुविधा, मेरा आखिरी सवाल, उनका ये मानना है कि बंगाली वोट डिवाइड होगा और ये लोग सब जी
सुबीरदा, मेरा आखिरी सवाल ये है, माणिक साहा क्या वो सरकार बचा पाएंगे? उनकी अपनी लोकप्रियता और उनकी सरकार को कैसे देखा जा रहा है त्रिपुरा में? देखिए, माणिक साहब तो हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ बैडमिंटन वगैरह खेलते रहे किसी जमाने में, अच्छा प्लेयर थे ये। और ये रेशमी ने सही कहा है कि बहुत साफ इमेज है, बहुत अच्छे नाम, मतलब काफी त्रिपुरा के एक नंबर के डेंटिस्ट रहे हैं, तो डेंटल सर्जन रहे हैं। तो और ये सबसे बड़ा उनका यही एडवांटेज है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि उनके खिलाफ कोई स्कैम वगैरह है, क्योंकि माणिक साहब बहुत अमीर आदमी, जो हमारे जमाने में त्रिपुरा के सबसे अमीर आदमी थे, माखनलाल साहब उनके बेटे हैं। तो लोग समझते हैं कि साहब इनके पास बहुत पैसा वैसे ही है, पुश्तैनी पैसा है, तो इनको तो पैसे वैसे का जरूरत नहीं, ये साफ सुथरा लोग हैं, काम करेंगे। बट इनका भी यही प्रॉब्लम है कि ये शहरी आदमी है, रूरल एरिया में इनका कोई खास मतलब पकड़ है नहीं, इनका कोई खास पकड़ है नहीं। महाराज जिस चीज का, महाराज भी शहरी आदमी है, बट महाराज महाराज होने के चलते जो रॉयल फैक्टर है त्रिपुरा के, वो ट्राइबल एरिया में घुस चुके हैं जी। इनका एक महाराज वाला जो हिस्सा है ना, राज खानदान वाला, उसका एडवांटेज ले रहे हैं। माणिक सरकार, माणिक शाह, इन लोगों को ये एडवांटेज है नहीं, बट माणिक शाह का छवि सही है और वो बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इसलिए उनका वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम मैं आखिर में आपको बता देता हूं कि बीजेपी के चार पावर सेंटर हो चुके हैं। अब पहले माणिक सरकार का स्टॉप गैप सीएम के तौर पर लाया गया था, अब माणिक साहब को, तो माणिक साहब समझते हैं कि साहब मैंने सरकार ठीक से चलाया तो हमको सीएम प्रोजेक्ट होना चाहिए। विप्लव देव भी चाहता है उसको सीएम प्रोजेक्ट किया जाए फिर से वापस। प्रतिमा भौमिक जो दिल्ली में मंत्री बने हैं, उनको भी लगता है कि साहब हम क्यों नहीं, हाँ मैं औरत हूं, जेंडर फैक्टर ये सब। और चार नंबर यहां पर बीजेपी का मतलब जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार ये तीन लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने, हमारे आने से बीजेपी आगे बढ़ा था, हम क्यों नहीं। तो बीजेपी के अंदर ये जो कश्मकश है, ये बीजेपी को थोड़ा भारी पड़ सकता है।